ये पड़ी जैकेट वगैरह भाई साहब, गर्मी भयंकर हो रही है, अभी से थकावट हो रही है यहाँ तो भाई साहब। आई कैम फ्रॉम देयर। हे गाइस, स्वागत है आपका एक्सप्लोर विद ज़ाद के एक और नया एपिसोड के अंदर। तो एज यू हैव सीन टाइटल और थंबनेल की, आज हूँ मैं गोवा के अंदर। ठीक है, तो कुछ प्लान ऐसे भी चल रहे हैं यार कि जैसे मैंने आपको कल रूम मेरा दिखा दिया था, बाकी कुछ प्लान ऐसे भी चल रहे हैं कि हो सकता है मैं यहाँ पर 2-3 दिन 4 दिन और एक्सटेंड कर दूँ, जस्ट बिकॉज कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं तो उनसे ही मीटअप हो जाएगा। बाकी हाँ, आपको डे बाई डे बोरियत नहीं होगी, आपको हर दिन कुछ नया मिलेगा, कुछ अलग मिलेगा, और हाँ कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको गोवा के किसी ने भी नहीं दिखाई होगी मे बी। हाँ, तो ट्राई यही करूँगा जितना हो सके कुछ डिफरेंट दिखाता रहूँ। बाकी आज चलते हैं अपना चपोरा फोर्ट और अपना ये एक और यार अगोड़ा फोर्ट। हाँ, उसके अलावा अपना आज सैटरडे है, तो सैटरडे को लगता है यहाँ पर फ्ली मार्केट आरपोरा के अंदर, तो वहाँ भी चलेंगे शाम को। और उसके अलावा जो जो रहेगा फॉर श्योर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चलते थोड़ी सी पेट पूजा करने हैं मैकडी के अंदर, उसके बाद देखते हैं क्या सीन ये रहा अपना यहाँ होम स्टे। इसके अलावा कोकोनट ट्री आप देख सकते हो कितने सारे हैं। बाकी अपनी धनो, इसको क्या है ऑयलिंग की बहुत ज़रूरी मतलब ज़रूरत हो रही है 2-4 दिन से। तो मैं लाया था अपना ये इस कंपनी का ऑयल जो मतलब लुब्रिकेंट है। अब करते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ सीधा। हाँ, अब भाई साहब धनो रेडी है परफॉर्म करने के लिए। होगा आवाज़ नहीं आएगी इसमें इतनी, क्योंकि क्या कल से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी चेन, क्योंकि क्या बारिश का मौसम है ना यार, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है गाड़ियों के अंदर। हाँ, अब नहीं आ रही आवाज़, इट्स नाइस नाउ। चलते हैं अब सीधा अपना मैकडी। एक लाइट ये भी निकल गई, इसकी भी अपन को स्क्रू डलवाना है एक। चलो अभी चलते हैं आगे सीधा। ये है मेन बागा वाली लेन, इस लेन में आपको जाने कितने लोग मिलेंगे, जाने कितने लोग। और भाई साहब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर स्कैम्स इतने होते हैं जिसकी हद नहीं है, तो प्लीज़ जितना हो सके ना स्कैम्स से बच कर रहना जितना हो सके, क्योंकि इतने स्कैम्स होते हैं आप खुद समझ नहीं पाओगे कि यार मैं कहाँ कहाँ से बचूँ। तो इसलिए बाकी अब क्या है, थोड़ा सा भूख ज़्यादा ही लगा है यार। अब लगा है क्या, मतलब मेरे को मुंबई के टून की आदत हो गई यार, मुंबई जाना 3-4 दिन तो वहाँ के टून की हैबिट हो गई। ओहो, बाकी अब क्या है, सीज़न आने वाला है गोवा का, सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कल मेरी जिसने मेरे फ्रेंड है उन्होंने बताया मुझे कि भाई अब तो सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सितंबर से लोग धीरे धीरे आने लगेंगे यहाँ पे। मैंने कहा चलो बढ़िया है, तो यार निकलने दो भाई, चलो भैया चलो, ऐसे का करते हो। ये टैक्सी वाली होती है ब्लैक और येलो, और येलो और ब्लैक अलग होती है, ये ध्यान रखना है चीज़ का। तो ब्लैक और जो येलो होती है ना, इसको आप रेंटल कर सकते हो। ठीक है, मतलब प्लेट का कलर तो ब्लैक हो और बाकी येलो हो, और अगर येलो प्लेट और ब्लैक कलर का वो हो उस पर, तो टैक्सी कार है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है सामने, तो ये है अपना रेंटल गाड़ी, सामने इनके नंबर लिखे हुए हैं पीछे, तो ये रेंटल गाड़ी होती है। तो इन चीज़ों पर भी पुलिस वाले बहुत रोकते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जब भी आप अगर गोवा आते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है भाई, मतलब मुझे रुका नहीं है, बट अपन ने भी कार रेंटल करी थी। आप मेरे प्रूफ प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो गोवा का, कि मैं जब गोवा आया था मैंने भी कार रेंट की थी, स्कूटी भी की थी, मैंने बताया भी था उस टाइम पर। तो प्लेलिस्ट पे है गोवा का, बाकी आप वीडियोस पे चेक कर सकते हो जाके गोवा का क्या क्या सीन हुआ था। मैं आराम से उस टाइम 5-7 दिन रहा था यार, और अभी फिर से 3-4 दिन का और रहेगा। गोवा इज़ गोवा यार। कहाँ है अपना मैकडी, वो रहा अपना मैकडी। चलो चलते हैं अपना सीधा मैकडी के लिए, पेट पूजा फिर काम दूजा क्या। ये आ चुका है अपना मैकडी, ये शायद रात में 3 या 4 बजे तक खुलता है, मैंने पहले भी खाया हुआ है इसके पास आकर। यह है सीन इसका। बाकी यार धनों का है बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही है, लेकिन सी कितनी गंदी हो रही है। तो ये जो लग रही है मशीन साइड से, मैंने इससे ऑर्डर कर लिया, करते हैं अपना ऑर्डर का वेट। आ चुकी है भाई साहब अपनी मेल, अब खाते हैं पीते और चलते हैं सीधा फोर्ट्स की ओर। हो गया मैकडी से खान पान, अब चलते हैं सीधा चपोड़ा की तरफ। और बाकी मैकडी से एक सरप्राइज ही मिला है फॉर श्योर, मैं आपको जल्दी ही बताऊँगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है,
क्योंकि क्या बिना सरप्राइज दिए व्लॉग का मज़ा थोड़ी आएगा। डालते हैं अपने चपोड़ा की लोकेशन। हो गया भैया एकदम बढ़िया पेटफुल। वैगटर 9.3 किलोमीटर यार सच में। भाई साहब ऐसे कुछ हैं गोवा के नज़ारे। ये फैट फिश बहुत फेमस ही भी है यहाँ पर खान पान के लिए। और यहाँ से अगर अपन लेफ्ट जाएंगे तो अपना होम स्टे आ जाएगा। कहाँ कौन जाएगा, अपन जाएंगे सीधा चपोड़ा फोर्ट। चपोड़ा है चोपड़ा फोर्ट है आई डोंट नो, जिसको भी ढंग से याद हो प्लीज़ बता देना। बाकी मुझे तो चपोड़ा ही याद है, मतलब प्रोनाउंसिएशन ही नहीं ऐसा होता उसके जैसे। जैसे रोड जा रहा है ना गाइस, इस रोड पर जाने का मेरा हर साल मन करता है कि साल में एक बार ज़रूर आऊँ। इस बार तो दो दो बार आ गया और मे भी हो सकता है कि मैं दिसंबर के एंड में भी आऊँ, जस्ट बिकॉज जनवरी में सनबर्न होता है, फेस्ट है, बहुत बड़ा फेस्ट होता है। तो इस बार प्लान कर रहा हूँ सनबर्न पर आने का फॉर श्योर। अगर आएंगे तो आपका तो ज़रूर दिखाएंगे। और अब हाँ शायद लेफ्ट लेना है यार, 2.7 किलोमीटर अभी तो यार, और उसके बाद 5.8 बाकी टोटल। तो चलो चलो चलो, गजब के आदमी रहे यार, मतलब 5 मिनट से खड़े खड़े हो गए, फुल टाइम पास चल रहा है भाई पेट्रोल पंप के नाम पे। गजब कर रहे हैं सीरियसली यार। चलो बर्बाद है, चलते हैं यहाँ से। तो जी रास्ता जाता है सीधा अपना वैगटर बीच के लिए, ठीक है। अगर आप चपड़ा फोर्ट जा रहे हो, चपोड़ा फोर्ट, तो आपको सीधा जगह जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा वैगटर बीच। अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ भाई। मस्त बीच भी यार, मैं मेरा ब्लॉग चेक कर सकते हो आप। मैं इवनिंग के टाइम पे आया था यहाँ पर और गाड़ियों की पार्किंग भी नहीं मिली थी। आई रिमेम्बर दैट टाइम। इट्स द वे फॉर चपोड़ा फोर्ट। बहुत ही कन्फ्यूजिंग है रे, बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। पार्किंग यहाँ करनी पड़ेगी क्या भाई? लेट्स सी, पहुँच तो चुके हैं शायद, अब देखते हैं पार्किंग का क्या सीन है। भाई पार्किंग किधर है? यही है, ऊपर से आ तो रहे हैं लोग अभी। चलो देखता हूँ मैं भी। भाई ऊपर पार्किंग है क्या? भाई साहब गाड़ियाँ नीचे लगा के ऊपर जाना है, देखते हैं। अभी से थकावट हो रही है यहाँ तो, लेट्स सी। भाई साहब आई कैम फ्रॉम देयर। और बाकी नज़ारे के लिए इतना ऊपर आना पड़ा भाई, और पार्किंग भी नहीं है यहाँ पर। तो बाइक नीचे खड़ी करी, उसके बाद नीचे से आया। तो ये है कुछ चपोड़ा फोर्ट। ये पड़ी जैकेट वगैरह। बाकी हालत ऐसी हो रही है यार, गच पच। बाकी सीन सर अमेजिंग यार, एक नंबर नज़ारे हैं। बस तो 5 मिनट हवा खाते हैं और कुछ सीन दिखाते हैं और चलते हैं यहाँ से। यार हेलमेट जैकेट सब चीज़ें इनको भी संभालना पड़ता है यार, इनको कहीं भी नहीं छोड़ सकता। भाई साहब गर्मी भयंकर हो रही है यार सीरियसली। देखो यार नज़ारे, अरे देखो तुम नज़ारे। तो ग्रुप होना चाहिए मस्त है। तो गाइस अगर बात करूँ ना इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो ये बहुत हिस्टोरिकल किला है जिसको पुर्तगीज़ ने 16th century के एंड में बनवाया था। जो मराठा वगैरह जो इनके निश शत्रु थे ना, उनसे सेफ्टी के लिए इसको बनवाया गया था। तो बाकी 18th century के स्टार्टिंग में ना मराठाओं ने पुर्तगीज़ से इसको कब्जा कर लिया था। उसके बाद इसको दोबारा निर्माण किया गया और एट लास्ट 18th century के एंड तक आते आते ना ये खंडर में बदल गया। उसके बाद बस आज के टाइम पर इसको एक तो सीन देखने के लिए और बाकी मूवीज़ के अंदर शूटिंग वगैरह होती है। जैसे दिल चाहता है मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी, उसकी भी कुछ सीन्स यहाँ पर लिए गए थे, आप देख सकते हैं मूवी के अंदर। तो बस इसमें यूज़ आता है आज के लिए। भाई साहब नज़ारे तो एक नंबर है, लेकिन थकावट बहुत बुरी है। ठीक है अकेले अकेले चल चल के तो आए, बैग उठा के जैकेट उठा के बहुत थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा उग गया शीत से अभी तो। गोवा में इतनी गर्मी, भाई मानसून सीजन ना बना। भाई साहब ऐसा कुछ था अपना चपड़ा फोर्ट, यहाँ से पूरा पीछे का व्यू दिखता है आपको समुद्र का। ठीक है अब चलते हैं यार यहाँ से अपना अब उड़ा के और देखते हैं
कैसा क्या रहेगा, बाकी थकावट तो इतनी भयंकर की मुझे लगा कि फ्लैट पे जाके आराम करूँगा। गर्मी तो रहेगी बट फिर भी इतना भयंकर पसीना हो रहा है जिसकी हद नहीं है यार। हमारे सूट के अंदर तो और गर्मी लग रही है, बाकी लोग तो शर्ट पैंट कोई नहीं पहनते हैं, शॉर्ट्स वगैरह में आते हैं यार। साहब यू कैन सी द कंडीशंस, भयंकर गर्मी है। सैलड बनवाया है, कुकुम्बर का वो खोलते हैं फिर चलते हैं यहाँ सीधा अपना घोड़ा की ओर। बाकी लेट्स सी, थकावट भयंकर है। अपना कुकुम्बर इससे दूर से राजू रहते हैं फिर चलते हैं। भाई साहब भयंकर थकावट लेके चलते हैं यहाँ से, अब सीधा पहले होम स्टे गए यहाँ पर यार, मेरी अब कंडीशन नहीं है। भयंकर से दुख रहा है भाई, भयंकर से दुख रहा है। मैं सोच रहा हूँ जल्दी फ्री हो इधर से, तो यहाँ इसी एरिया से, तो ऐसी गर्मी लग रही है भाई। और मैं आज क्या है, मैं सोच भी रहा था कि एसी ऑन करके आऊँ, बट मैं एसी भी ऑन करके नहीं आया आज। नहीं तो मैंने सोचा था कि एसी ऑन करके आऊँ जब तक एकदम चिल हो जाओ, जब तक मैं पहुँचूँगा जब तक। अपन भी तो समझदार है, अपन ऑन करके नहीं आए। आने वाले जितने भी स्टेट्स हैं सब मैं ये चीज़ याद रखूँगा, नहीं सोचना भाई अपने को, तो बस एसी ऑन करो आ जाओ भाई घूमने, जब तक जाओगे तब तक चिल्ड मिलेगा बढ़िया। भाई साहब यू कैन सी द नज़ारे, मेरा तो सिर दुख रहा है प्यारे, क्या करूँ यार। मतलब मन भी नहीं कर रहा कि फ्लैट पहुँचने तक का की कंडीशन भी नहीं हो रही है अभी, ऐसी बुरी हालत हो रही है यार। हाँ अभी तो 8-10 दिन हुए हैं यार, क्या करें, कोई ना होता है होता है। इट्स भी लाइक पर्रा रोड, बट ऐसा वो नहीं है, आपको दिखाऊंगा पर्रा रोड भी क्या है क्या नहीं है। जाऊंगा जल्दी वहाँ पे, अब 2-3 दिन 4 दिन यहीं हो तो बस गोवा ही गोवा है अब तो। और बारिश की एकदम ऐसा लग रहा है कि बारिश आने को बस बैठी है कि भाई हाँ तू फ्लैट पर पहुँच और मैं स्टार्ट हूँ। और देखना फॉर श्योर मैं कह रहा हूँ तुमसे कि जैसे ही मैं पहुँचूँगा ना फ्लैट पर और बारिश स्टार्ट होगी। अरे ऐसा धुआं भाई साहब, निकल जाने दे यार, नहीं जाने देगा और धुआं और उड़ाएगा ये। कहा था ना भाई बारिश होने वाली है, हो चुकी है। और ये बारिश का भरोसा भी नहीं है, पल भर में आएगी पल भर में गायब भी हो जाएगी, सीरियसली देखना आप। ये टप टप बूंदाबांदी तो हो रही है और अभी ऑटोमेटिक गायब होगी, मैं कह रहा हूँ तुमसे देखना ये गायब। आई हैव टोल्ड यू कि आएगी बारिश, तो बस अपने घर में भी खड़ी कर दी है अपन ने, और बस चलते हैं अंदर। इसका गेट बहुत टाइट है यार, चलता नहीं है अच्छा। मैं गुड रोड को देखता हूँ, एवरीथिंग इज फाइन। बस क्या होता है ना, ये दरवाजे नहीं खुलते आसानी से, बस करते हैं इसको रूम को ठंडा। भयंकर टाइट हालत है भाई, भयंकर टाइट हालत। तो भाई साहब कर ली थी अपन को पोएट्री शूट, पोएट्री शूट कर ली है। बाकी अपना प्लान था आज का, अपना अरपुरा नाइट मार्केट का,
ठीक है, मुझे सैटरडे को भी लगता है। अब देखते हैं नाइट मार्केट का क्या सीन होता है। मैं फॉर श्योर एक्साइटिंग सा हूँ यार कि मैं पहले भी आया हूँ गोवा, बट मैंने सुना नहीं इसके बारे में, और आज मैंने क्या है फाइंड किया थोड़ा सा और देखा कि हाँ लगता है, तो मैंने कहा चलो ट्राई भी करते हैं यार। तो निकलते सीधा यार पूरा नाइट मार्केट, और जो भी रहेगा फॉर श्योर मैं आपको दिखाता हूँ। सीधा वहाँ चलते हैं मार्केट के अंदर, जो भी रहेगा आपको दिखा दूंगा यार। हाँ भाई साहब, ब्रेक तो ओपन हुआ थे और पूरा सैटरडे मार्केट, बट क्या हुआ वो बंद बताया यार। कह रहे हैं वो खुलेगा अक्टूबर के अंदर, और आज तक कर गया कोई कंटेंट भी शूट नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, दरवाजे भी जोरदार है यार। ये सही किया मैंने, एसी ऑफ ऑन करके गया था। अरे यार ये चाबी नहीं, चलो भाई साहब करते हैं पैकअप। हो गया ठीक है, है ना, अब पैकेट बनता क्या करें। ठीक है बाकी जो भी रहा यार देख लेना, आज थोड़ा कंटेंट ऐसा ही था लूज सा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी हाँ, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें मेरी कहानी, मेरी जुबानी, आप मुस्कुराएंगे, हम खुश होंगे। थैंक यू सो मच गाइस। बाकी हाँ, प्लांट लगाना मत भूलना, हरा रहे इंडिया, भरा रहे इंडिया। थैंक यू सो मच गाइस।